भगवद गीता के अष्टम अध्याय में भगवान अर्जुन को योगी होने का एक मार्ग बताते हैं और भगवान ये भी बताते हैं कि उनका धाम कैसा है, कैसे होता है जो मनुष्य उनको प्राप्त कर जाता है। यम प्राप्यन निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम, मेरा ऐसा धाम है कौन्तेय, जो एक बार मनुष्य उसको प्राप्त हो जाता है तो उसकी वापसी इस पृथ्वी पर या किसी भी और लोक में नहीं है, वो वास्तव में ही मुझ में विलीन हो जाता है। अव्यक्तो अक्षर इत्य अक्स्तुम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम, ये वही धाम है कौन्तेय जिसको अव्यक्त बताया गया है, ये वही धाम है जिसको वेदों ने परम गति कहा है। भगवान अर्जुन को अगले कुछ श्लोकों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बताते हैं। अगर एक इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा जो है घट रहा है, प्रतिपदा से अमावस्या की ओर जा रहा है, और एक शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ रहा है, प्रतिपदा से पूर्णिमा की ओर जा रहा है। भगवान ने कहा है कि जो कृष्ण पक्ष में शरीर को त्यागते हैं वो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, और जो जो कृष्ण पक्ष में शरीर को त्यागते हैं वो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, परंतु जो शुक्ल पक्ष में शरीर को त्यागते हैं उनका फिर वापस आना नहीं होता। इसको दो ढंग हैं देखने के, एक तो है कि इसको कर्मकांड की दृष्टि से देखा जाए, इसको सनातन धर्म के शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, उस पहलू से देखा जाए कि यदि फला फला तिथि में ये कार्य हो रहा है तो ये शुभ है, यदि किसी और तिथि में वही कार्य हो रहा है तो वो अशुभ है। परंतु मुझे लगता है कि यहाँ पर भगवान का तात्पर्य कुछ और ही है या कुछ और भी है। एक होता है प्रकाश का मार्ग, एक होता है रोशनी का रास्ता, और एक होता है अंधकार का रास्ता। अंधकार के रास्ते में निरंतर मनुष्य गिरता चला जाता है, एक पतन हो रहा है अंधकार के रास्ते में, क्योंकि चंद्रमा जो है घट रहा है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नक्षत्राणाम अहम् शशेर, इंद्रियों में मन हूं और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, भगवान ने कहा है। इस आगे चल के श्लोक में उन्होंने नक्षत्र की परिभाषा दी है चंद्रमा को। यदि मन चंद्रमा है और चंद्रमा घट रहा है कृष्ण पक्ष में, तो इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य किसी गलत मार्ग पर चलता है तो गलत मार्ग पर चल के ठीक जगह पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। कि यदि मनुष्य एक अंधकार के मार्ग पर चल पड़ा है तो उसकी निरंतर आगे अधोगति ही है। और एक है प्रकाश का मार्ग, वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है मनुष्य को जहां से वापसी नहीं है। एक है रिवर्सिबल स्टेट, एक है इरिवर्सिबल स्टेट। ये वो बदलाव है प्रकाश के मार्ग में चलने से जिससे मनुष्य की फिर वापसी नहीं है, सदा सदा से वो मनुष्य के जीवन का, उसकी सोच का, उसके जीने का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो भगवान ने कहा है एक तो कौन्तेय कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में जो शरीर को त्यागते हैं या उस पथ पर जो चलते हैं वो कुछ अंतराल का सुख प्राप्त करने के बाद कुछ लोकों में फिर वापस पृथ्वी पर ही आ जाते हैं, और एक है शुक्ल पक्ष जिसको जाने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता। और जब तक हम
प्रकाश के मार्ग में स्थित है, तब तक हम स्वतः ही जागरूक रहेंगे। प्रकाश जब होता है तो आसपास की सारी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, कहां कौन सा सामान पड़ा है दिखता है। अंधकार में एक कमरे में चलना हो तो कभी पांव में ये कुर्सी लग रही है तो कभी वो मेज लग रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहा। वही जब प्रकाश हो जाता है, सामान वही का वही है, जिंदगी वही की वही है, जिंदगी की समस्याएं वही की वही है। परंतु दिखने से मनुष्य थोड़ा देख कर चलता है, और सारा मार्ग देखने का ही है। जागरूकता जो प्रकाश जो शब्द है वो ज्ञान का एक पर्यायवाची है, और यदि इंग्लिश में भी देखा जाए तो एनलाइटनमेंट अर्थात आप प्रकाशमय हो गए हो। अब दिख रहा है, आंखें तो हैं, परंतु यदि अंधेरा है तो दिख नहीं सकता। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति, काशी की बात है, कबीर के पास जाता है और कहता है कि बस सोचा आपसे मिलता चलूं, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर निकल रहा हूं और मुझे वापस आने में लगभग 3-4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा है चारों धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग और पंचाशत पीठ जो है, शक्ति पीठ है, 50 के 50 या 52 वो पूरे करके मैं वापस आऊंगा। तो कबीर ने कहा, भाई हम तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि आपके साथ जा सकते, मुझे तो घर चलाना है, अपना जुलाहे का काम करना है, तो मैं यहीं हरि भजन करूंगा, पर एक काम क्यों नहीं करते, मुझ पर बड़ी कृपा होगी, एक मैं कद्दू देता हूं, इसको ले जाओ। उसने कहा, कद्दू? हाँ, प्रसाद स्वरूप में, बहुत बड़ा नहीं दूंगा, छोटे साइज का दूंगा, ताकि वो कद्दू भी तुम्हारे साथ सब जगह तीर्थ यात्रा कर लेगा, वापिस आएंगे, मेरे लिए वो कद्दू का प्रसाद हो जाएगा। तो वो व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे जब जब मैं जीवन में दुखी था मेरी बहुत सहायता की है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, 1-2 किलो का कद्दू मैं आपके लिए ले जाऊंगा, जहां जहां मैं स्नान करूंगा कद्दू भी स्नान करवा दूंगा, कद्दू को भी मैं चरणामृत दे दूंगा, वो मैं जानूंगा कि भगवान का आपके लिए प्रसाद है। तो कबीर भी खुश और वो जो तीर्थ यात्री था वो भी खुश, जो भक्त था। कद्दू लेकर वो चला जाता है और 3-4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने के बाद वो कबीर के पास आता है तो कद्दू बेचारा थोड़ा कद्दू जैसा ही लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा मुरझा चुका है, परंतु फिर भी एक लग रहा है कि ठीक है, एक सब्जी इसकी बन सकती है। तो कबीर को वो कद्दू वापस दे देता है। कबीर बहुत धन्यवाद करते हैं उनका और कहते हैं कि ऐसे नहीं हम आपको जाने देंगे, हम ये कद्दू की सब्जी दोनों बैठ के खाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मेरा हो भाग्य, और ये क्योंकि ये प्रसाद ही तो है, इतने तीर्थों पर मैं गया तो वहां से ये सब जगह, कितना इसमें एक ऊर्जा होगी इस समय। कबीर अपनी पत्नी को दे देते हैं कद्दू काटने के लिए, कद्दू की सब्जी बनाने के लिए, वो कद्दू की सब्जी बनके जो है आ जाती है। जैसे ही वो व्यक्ति मुख में उस कद्दू को रखता है खाने के लिए, पका हुआ है, एकदम उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ जाता है, वो एकदम थूकने जैसा करता है, कहता है, अरे बाप रे बाप, ये कद्दू तो इतना कड़वा है। कबीर ने कहा, तो इसमें कौन सी विस्मय कर देने वाली बात है, ये तो स्वाभाविक है, कद्दू यदि पड़ा रहे तो कद्दू का तो स्वभाव है वो कड़वा हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, फिर आपने मुझे क्यों दिया? उसने कहा, मैंने सोचा तुम अपने शुद्धिकरण के लिए इतने तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हो, इतने तीर्थों पर जा रहे हो, उस तीर्थाटन से तुम्हारा मन जो है शुद्ध होगा, शायद ये कद्दू भी मेरा शुद्ध हो जाए, शायद ये कद्दू का स्वभाव जो है बदल जाए। उसने कहा, कबीर अच्छा मजाक करते हैं आप, ऐसे कद्दू क्या मीठे कड़वे से मीठा हो जाएगा? अरे जब कद्दू जैसी वस्तु नहीं हो सकी तो तुम क्या होगे? कि समस्त तीर्थ जो हैं तुम्हारे भीतर ही हैं, कबीर ने कहा। अगर भीतर से मन शुद्ध नहीं है तो तीर्थ
किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर हम क्या प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं। और भगवान ने यही कहा है, तस्माद सर्वेशु कालेशु योग युक्तो भव अर्जुन, कि अर्जुन समस्त कालों में इसीलिए तू योगी हो जा। नैते श्रुति पार्थ जानने योगी महति कश्चन, इससे घबराना मत, क्योंकि हमेशा तुम्हारे आगे दो मार्ग होंगे। श्रुति नैते श्रुति, दो मार्ग होंगे। हालांकि भगवान इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बताने के बाद कह रहे हैं ये दो मार्ग हैं, परंतु यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का संकेत भी है कि जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक प्रकाश का एक अंधकार का। यदि मैं प्रकाश के रास्ते पर निरंतर चलता जा रहा हूं तो मेरा मन भीतर से अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। यदि मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है तो मुझे किसी बाहरी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ का धर्म से तो गहरा संबंध है, परंतु तीर्थाटन का आध्यात्मिकता से शायद कुछ विशेष संबंध नहीं है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी उसकी कब्र जो है बनवा देती है, उसके ऊपर वो टूमस्टोन होता है वो लग जाता है, उस पे ऊपर वो लिखवा देती है रेस्ट इन पीस। स्वाभाविक है, हम जब कोई मरता है तो जिसको दफनाया जाता है उसके लिख दिया जाता है रेस्ट इन पीस, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस। फिर उसने देखा नीचे जगह बहुत बची हुई थी कि ये कम लग रहा है। कुछ लोग होते हैं कमरे में उनको सामान भरने की आदत होती है, जिनके कमरे में सामान भरा होता है उनके दिमाग में भी कचरा भरा होता है, गारंटीड। तो वो देखती है वो ऊपर लिखा होता है रेस्ट इन पीस, देखिए नीचे बहुत जगह है और क्या लिखूं, कुछ अपने प्यार की अभिव्यक्ति के लिए कुछ उसका भी कहीं नाम आए नीचे लिख देती है, ऊपर लिखा होता है रेस्ट इन पीस, नीचे लिख देती है ठिलाए खम दे, शांति से रहो जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती। ऐसे ही मनुष्य के भाव होते हैं, ऐसे ही सुखों का आगमन होता है। जो क्षणिक सुख होते हैं थोड़ी देर के लिए तो शांति दे देते हैं, परंतु बाद में जो बवाल खड़ा होता है मनुष्य के मन में वो उसको उसके पथ से विमुख कर देता है। तो भगवान कहते कौंतेय दो तुम्हारे रास्ते हैं, परंतु उन रास्तों को लेकर न मोहयति कश्चन, उन रास्तों को लेकर दुविधा में मत पड़ जाना, किसी मोह में मत पड़ जाना। यदि एक योगी के भाव में जीवित हो, यदि एक योगी के भाव में स्थित हो कौंतेय, तो तुम्हारे जीवन में कुछ और शेष रह नहीं जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं रह जाएगी। इतना ही नहीं, अष्टम अध्याय का अंतिम श्लोक जो है वेदेशु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वम् इदम् विदित्वा योगिम परम स्थान पैती चाहते। जो सच्चा योगी है अर्जुन, हे महाबाहो, जो व्यक्ति जो योगी उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जो योगी बन चुका है, उसके लिए किसी भी प्रकार के यज्ञ में, किसी भी प्रकार के तप में, किसी भी प्रकार के शास्त्र में या किसी भी प्रकार के कर्मकांड में, कोई भी धार्मिक क्रिया में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो सब, वो योगी इन सब से ऊपर उठ जाता है। सबसे बड़ी बात, वो वर्तमान में जीना सीख जाता है, और जो वर्तमान में जीता है उस व्यक्ति का एक परम लक्षण होता है। जो वर्तमान में जीता है उसको अपने समय की बहुत कद्र होती है, क्योंकि वो जानता है कि ना जाने मैं मुझे दोबारा ये अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा। कहते हैं एक मैंने कथा पढ़ी थी, महाभारत में आती है ये कथा। जब युद्ध जीत गए
और उसके बाद युधिष्ठिर का एक साम्राज्य जो है स्थापित हो गया और वो चक्रवर्ती सम्राट जो है बन गया। एक बार वो विश्राम कर रहा था और एक ब्राह्मण जो है आता है फरियाद लेके। ब्राह्मण कहता है, महाराज मैं अपने पड़ोसी से बहुत दुखी हूँ, मेरी जो जमीन है उस पर वो अपनी जो फसल है लगा रहे हैं और मैं परिवार में अकेला हूँ, उनके घर में चार पुरुष हैं, इसलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए मैं आपके पास फरियाद लेके आया हूँ कि मुझे इसका न्याय दिलाया जाए। युधिष्ठिर जो हैं विश्राम कर रहे थे, युधिष्ठिर ने कहा कि देखो मैं तुम्हें निश्चित रूप से न्याय दिलवाऊंगा, पर तुम कल आ जाना मेरे पास। ये तो है नहीं एक दिन में पूरी फसल लग जाएगी या कट जाएगी या एक ही दिन में सुधर जाएंगे, मैं उनको भी यहाँ बुलवा लूँगा मेरे दरबार में, कल आ जाना मेरे पास, अभी मैं थोड़ा आज थका हुआ हूँ, सुबह से मैं कार्य कर रहा था, इसलिए कल मैं निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा, कल मैं तुम्हें न्याय दिलवा दूंगा। ब्राह्मण जो है प्रणाम करके चला जाता है। इतने में भीम जो हैं उठ जाते हैं और दरबार के बाहर जो वो राजघर होता है उसके बाहर एक बहुत बड़ा घंटा टंगा होता है जो फरियादियों के लिए बना होता है, जिसकी कोई फरियाद हो वो घंटा जोर जोर से बजा सकता है। तो भीम जो है पूरे प्रहार के साथ, पूरे वेग के साथ, पूरे बल के साथ उस घंटे को जो है बजाना शुरू कर देते हैं। सब कहते हैं अरे अभी तो ब्राह्मण को भेजा था, ये इतनी जोर से घंटा कौन बजा रहा है, और वो भी भीम का बल, घंटा तो टूट भी सकता था, तो घंटा ऐसे बज रहा है जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज हो रही है। तो युधिष्ठिर खुद भागे जाते हैं बाहर कि इतना भयंकर रूप से कौन घंटा बजा रहा है, जो फरियाद का जो घंटी लगी हुई इतनी बड़ी। अरे भीम तुम क्यों घंटा बजा रहे हो? मैं किसी फरियाद के लिए नहीं बजा रहा, भीम ने कहा, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आप कालजयी हो गए हैं, आपने काल पर भी विजय पा ली है, आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, ये कृष्ण की तरह क्यों पहेलियां बुझा रहे हो, सीधा सीधा मुझे बोलो क्या कहना चाहते हो, ये क्या कालजयी और काल पर विजय पाली? नहीं महाराज, भीम ने कहा, आप त्रिकालज्ञ हो गए हैं, आप आने वाले कल को भी देख सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हो गया भीम, बोल क्यों नहीं रहे साफ साफ? उसने कहा, नहीं मैंने सुना वो ब्राह्मण जो आपके पास फरियाद लेकर आया था, आपने उसको बोला हाँ कल आ जाना, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं आप एक धर्मज्ञ हैं, धर्माधिकारी हैं, धर्म पर चलने वाले एक सम्राट हैं, आपने आने वाले कल को देख ही लिया होगा, आपको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि कल आप भी जिंदा होंगे, वो ब्राह्मण भी जिंदा होगा या उसका पड़ोसी भी जिंदा होगा, आपने देख लिया होगा कि सभी जीवित हैं, उसी आधार पर आपने ये धारण किया होगा, संकल्प लिया होगा कि अभी जल्दी नहीं है, कोई शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हम अब करने जा रहे हैं ये कल भी हो सकता है, इसलिए मैं तो आपको बार बार ये इतनी बड़ी घंटी से आपकी स्तुति कर रहा हूं, आपकी आरती उतार रहा हूं, फरियाद नहीं लेके आया कोई। युधिष्ठिर ने कहा, मुझसे वाक्य में ही बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि अब का तो मुझे पता है, कल का तो नहीं, जब कल का पता ही नहीं तो किस आधार पर हम कल की बात करते हैं। जीवन में जो भी शुभ कार्य होता है कभी देरी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ना जाने अगला अवसर आएगा या नहीं आएगा, और यदि आएगा भी हम नहीं कह सकते उस समय हमारी मन की अवस्था बदली हो या हमारे परिस्थिति बदली हो या समाज ही बदला हो या उस व्यक्ति को वैसी आवश्यकता ना हो, यदि प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से
क्या फायदा। मैंने इसका वेरिएशन भी सुना था, कहीं पढ़ा था, यदि प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बाद क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। खैर, कहने का अर्थ है, ये जो पल है, इस पल में आप क्या कर रहे हो। यदि मैं ना जाने कितने ही 100 घंटों का अब तक प्रवचन दे चुका हूं, यदि वास्तव में आपको इससे लाभान्वित होना है, इसका फायदा उठाना है, इससे लाभ लेना है, तो एक मेरा सुझाव है आपको, अगले 7 दिन के लिए प्रतिदिन दिन में 5 से 6 बार हर 2 घंटे बाद एक लिख लो कि पिछले 2 घंटे में मैंने क्या किया। 7 दिन के बाद एक पैटर्न सा बन जाएगा, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप अपने समय का कितना सदुपयोग कर रहे हो। यदि उस 2 घंटे में कोई विशेष विचार, कुविचार या कैसा भी, जिसने आपके मन को एकदम घेर कर लिया हो, घर कर लिया हो, तो आप वो भी लिख दो। यदि कुछ अच्छा कार्य किया तो वो भी लिख लो। यदि अगले 7 दिन आप ऐसा करेंगे, या नवरात्रों में नवदुर्गा साधना जो कर रहे हैं उसके साथ इसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि मंत्र जप और यज्ञ एक अलग प्रकार का फल देते हैं, एक भिन्न प्रकार की भावना की अभिव्यक्ति होती है। परंतु जो वास्तविक प्राप्ति है, जो पूर्ण प्राप्ति है, उसके लिए स्वयं को समझना नितांत आवश्यक है, तो ही इन क्रियाकलापों से हम ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो पूरा जो जीवन है उसी में बीत जाएगा, सारा जीवन। यदि जिंदगी के 10 वर्ष बीते हैं तो 20 भी बीत जाएंगे, 30 भी बीत जाएंगे, 40 भी बीत जाएंगे, और 60-70 भी बीत जाएंगे। एक विचार करना आवश्यक है, क्योंकि विचार से ही योगी योगी बनता है। जैसा कि हमने पहले कहा, जो सरल मन होता है या जो सिद्ध नहीं होता, उसके मन में विचार आते हैं, पर जो सिद्ध है वो विचार करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और बार बार भगवान ने बोला है कि मेरी भक्ति में स्थित हो जा कौन्तेय, योगी हो जा, परंतु पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या। वो भक्त ही उस प्राप्ति को पाता है, उस लाभ को पाता है, जिसको प्राप्त होने पर भूतानि येन सर्वम इदं ततम यस्यान्तः स्थानी, वो सब जगह मुझे ही देखता है, मैं सब में स्थित हूं, उसको इस बात का पूर्ण बोध है और सब कुछ मुझ में स्थित है। ये जो समस्त जगत है, ये समस्त विश्व है, ये मुझे में स्थित है। तो उसकी जो खोज है वो विश्व ना होकर विष्णु हो जाती है, उसकी जो खोज है वो ऐश्वर्य की ओर ना होकर ईश्वर की ओर चली जाती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति जीवन में रंग नहीं लेता, या आनंद की अनुभूति नहीं करता, या प्रेम से जीवन को नहीं जीता, या जीवन के सुखों का त्याग कर देता है। उसके विपरीत, वो हर सुख का भरपूर रस लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वर्तमान में जीना सीख गया। कई बार मनुष्य के जीवन में जब दुख आते हैं तो लगता है कि ईश्वर है नहीं, ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। कुछ दिन हुए जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक मैंने प्रवचन ऑन कर लिया, वो ऑटो प्ले पे था। उसके बाद किसी और का प्रवचन आया, मैंने पहली बार सुना, उनका नाम था जया किशोरी जी, उनका प्रवचन था। तो वो कथा में, वो चलते चलते जिम में, वो उनका शुरू हो गया, और उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर एक बात बोली। उन्होंने कहा, एक बार एक मैदान में कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे थे, और माँ जो है खिड़की से उन बच्चों को देख रही थी,
उन बच्चों में उसका अपना बच्चा भी था। और खिड़की रसोई में काम करती हुई वो खिड़की में जब आई, उसने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसके मन में आया कि कितने प्यारे बच्चे हैं, मन कर रहा है सबको मैं चॉकलेट बांट दूं। पर उसने ऐसा किया नहीं, मन का एक भाव था। फिर रसोई में वापस काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जोर जोर से आवाजें आती हैं मैदान में। वापिस आकर देखती है तो क्या देखती है कि बच्चे लड़ रहे हैं, वो चिल्लम चिल्ला हो रहा है, मारपीट हो रही है एक दूसरे के ऊपर। उसके मन में आता है इतने ये उदंड बच्चे हैं, खींच के एक चांटा लगा देंगे। अब वो जो हैं कथावाचक जया किशोरी जी, उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या माँ यदि चाहे सब बच्चों को चॉकलेट दे सकती है? उत्तर है हाँ, दे सकती है, अच्छी बात है, सब बच्चे खुश होंगे। पर मां यदि चाहे, कितना ही क्यों ना चाहे, क्या सब बच्चों के चांटा लगा सकती है? कभी नहीं, केवल अपने बच्चे को डांट सकती है। जहां अपनापन होता है वहीं पर मनुष्य ऐसे भाव को व्यक्त कर सकता है। तो कई बार जब ईश्वर के संबंध में, भक्त और भगवान के संबंध में, उस यात्रा में यदि कोई यातना मिलती है तो कई बार ईश्वर का सिर्फ संकेत इतना ही होता है, तुम मेरे करीब हो, मैं तुम्हें अपना मानता हूं और इसलिए तुम्हारे सुधार के लिए मैंने ये सोचा है कि तुम्हें ये फल की प्राप्ति आवश्यक है। कि ये अभी थोड़ा सा दुख तो देगा परंतु बाद में बहुत सुखदाई होगा। हर समय तो एक बच्चे से लाड या प्यार नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो उस बच्चे को थोड़ा झंझोड़ना भी होता है। ठीक ऐसे ही चाहे हम प्रकाश के मार्ग पे चल रहे हैं शुक्ल पक्ष में, चाहे हम अंधकार के मार्ग में चल रहे हैं कृष्ण पक्ष में, कभी ना कभी होता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है। यदि चढ़ाव के समय ईश्वर को उसका क्रेडिट नहीं दिया, यदि जब जिंदगी में चढ़ाव आया तो उसका जो सराहना है ईश्वर के लिए नहीं की, तो जब उतराव आएगा तो दोष भी हम भगवान को नहीं दे सकते। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ कर्मों का ही फल होता है, ये इतनी विशाल प्रकृति है, इतना विशाल ब्रह्मांड है कि इसका पूरा रहस्य तो हो ही नहीं सकता। खुलासा बस इतना सा है कि हम एक एक पल करके एक जीवन को सार्थक बिताते हुए अपना और अपनों का और अपने समाज का और अपने विश्व का यथासंभव एक कल्याणमय जीवन को व्यतीत कर सके। तो जब भी दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर इतनी जागरूकता पैदा कर लें कि बस एक क्षण अपने आप को पूछ सके कि या कि क्या मेरे लिए कर्म शोभनीय है, कि क्या ये मुझे उचित लगता है, फिर कर सके बस, बजाय कि भाव में बहने के बाद, कर्म करने के बाद फिर विचार करें कि मुझे ये करना ठीक था या नहीं। तो अष्टम अध्याय में भगवान ने बोला है कि जो योगी हो जाता है व्यक्ति, जो भक्ति में भी स्थित है और योग में भी स्थित है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो योगी है, वो सब क्रियाकलापों से एक बार ऊपर उठ जाता है, वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। इसी को भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग की संज्ञा दी है।